बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, इससे लोगों का यह मानस बना लिया है कि राजस्थान में भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रांतों की तरह यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार बन सकती है। उदयपुर से देख रहा हूँ, डूंगरपुर में रास्ते में देख रहा हूँ, आगे अभी बांसवाड़ा में भी जो कार्यकर्ता लोग मार्केट में मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी की योजना जो यहाँ तक पहुँची है और लोग चाहते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार यूपी उत्तराखंड जैसी हो, हमारा विकास हो, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जिस प्रकार मंदिर तोड़ रही है, विकास को ख़त्म कर रही है, तो लोग डबल इंजन सरकार की तरफ बढ़ेंगे। सर, लगातार जिस तरीके से राजस्थान में देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जिस तरीके से कलह फूट चल रही है, उसी प्रकार सर भाजपा में भी देखा जा रहा है, तो ये कलह फूट कब तक खत्म होगी? सर, भाजपा में एक नेता है नरेंद्र मोदी, कोई कलह फूट नहीं। धन्यवाद। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को गिराने में कांग्रेस सरकार का बड़ा हाथ, वहां के स्थानीय विधायकों के कहने पर ही शिव मंदिर को गिरा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह बात शनिवार को बांसवाड़ा दौरे के दौरान कही। बीजेपी ने अलवर में मंदिर तोड़वाया, तो उसका क्या कहना साहब, आगे क्या स्ट्रेन रहेगा? ऐसा है, अतिक्रमण तोड़ने के लिए सरकार की उसकी परमिशन जरूरी होती है, उसमें अधिकारी, प्रशासनिक सक्षम अधिकारी ही कार्रवाई करता है। वोट बीजेपी का जरूर है, लेकिन ये कार्रवाई तो खुद कांग्रेस पार्टी के वहाँ के विधायक के इशारे पर मुख्यमंत्री ने करवाई है। 300 साल पुराना मंदिर कोई भी अतिक्रमण के दायरे में नहीं आता, इसलिए तो आगे क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी का? आगे अभी हमारी संसद अध्ययन दल गया है, पूरी रिपोर्ट देगा, उसके बाद आगे का स्टेप। सीतापुर में कॉलेज के पास रखे ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के हरिद्वार में मात्र कुंडिया में आम मेवाड़ भील समाज महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में की शिरकत। आलनियावास में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च, और रैपिड एक्शन फोर्स ने शनिवार को ग्राम आलनियावास में फ्लैग मार्च निकालकर फोर्स के जवानों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार जयपुर से तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की C/83 बटालियन की एक प्लाटून के सहायक कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में गांव के मुख्य मार्गों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला। किसके लिए रैली निकाली है अभी? एक्चुअली में हमारा CRPF का एक पार्ट है RAF, जो कि दंगा नियंत्रण के लिए स्पेशल बना हुआ है, और हमारा हेडक्वार्टर है जयपुर, वहाँ हमारे कमांडेंट श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्ग निर्देशन में यहाँ नागौर जिले का हम 2 साल में एक बार भ्रमण करते हैं, तो हर थाने का, नागौर में जितने भी थाने हैं उनका हम टोपोग्राफी, बायोग्राफी, यहाँ मतलब कोई दंगा वगैरह तो नहीं हुआ है या होता है कभी भविष्य में, तो हम किस तरीके से जल्दी पहुँचे जा सकते हैं, और लोग बागों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ी से फ्लैग मार्च करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। ओके सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर।